सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं, और कोशिश करिएगा कि सारे प्रश्नों को आप अटेंड करें ताकि आपको आपकी तैयारी का पता चलता रहे। तो चलिए, जो भी नए जुड़े चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप नोटिफिकेशन हर समय मिलती रहे। और इसके बावजूद भी नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर की 98। और पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ, तो आपको मिलेगा ऑन www.successki98.in पे जाके। और जैसा कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं, जो भी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य है। तो आपको मॉक टेस्ट कहाँ देना है, तो मॉक टेस्ट देना है आपको www.estore.ibpsguide.com पर जाकर, जो कि लिंक आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा। तो चलिए फटाफट क्विज को शुरू कर देता हूँ बिना समय को नष्ट किए हुए। पहला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। चमक कीड़ा क्या है? ए एक मोलस्का, बी एक कीट, सी एक कीड़ा, या डी एक निमटोड। बताएगा इसका उत्तर। ग्लो वॉर्म क्या है? तो जिन्होंने उत्तर दिया बी एक इंसेक्ट, जी हाँ एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। किस चारकोल का उपयोग कच्ची चीनी को विवरण करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए लकड़ी चारकोल, बी चीनी चारकोल, सी पशु चारकोल, या डी नारियल चारकोल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए ऊट चारकोल, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। थर्मामीटर का प्रारंभिक रूप थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए सर क्रिस्टोफर वेन, बी चार्ल्स एफ रिचर, सी गैलीलियो, या डी बेनो क्यूटनबर्ग। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी गैलीलियो, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। डायनेमो का उपयोग किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए रासायनिक ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, या डी चुंबकीय ऊर्जा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी मैकेनिकल एनर्जी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। यदि अपशिष्ट पदार्थ पेयजल के स्रोत को दूषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी? आपके ऑप्शन है ए पाजी, बी आंत्रज्वर, सी मलेरिया, या डी रक्तक्षय। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी आंत्रज्वर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। छठा प्रश्न ए रहा इसका उत्तर दीजिएगा। प्याज को छीलने के कारण आंसू निकलते हैं क्योंकि, प्याज से क्या निकलता है? आपके ऑप्शन है ए सल्फोनिक एसिड, बी सल्फेनिक एसिड, सी अमीनो एसिड, या डी कार्बोलिक एसिड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी सल्फेनिक एसिड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। सुबह सुबह सूरज की किरणों को ग्रहण करने से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ए बी सी या डी। तो सभी जानते हैं इसका उत्तर, जिन्होंने उत्तर दिया डी सही एकदम सही उत्तर है। अगर इसका आंसर भी गलत कोई देता है तो आपकी तैयारी समझ लीजिए कहाँ पे है। आठवां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए हैंस लिपर्सी, बी गुटनबर्ग, सी एडिसन, या डी ग्राम्बेल। तो जिन्होंने उत्तर दिया हैंस लिपर्सी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए लाइकोपिन, बी कैप्साइसिन, सी कैटोरीन कैरोटीन, या डी एंथोसाइनिन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी कैप्साइसिन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, दसवां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। ए भी अगर स्थिर है जहाँ ए बराबर क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल है और भी द्रव का वेग है, इस समीकरण को क्या कहा जाता है? ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूड। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ए असंतुलन का समीकरण, बी निरंतरता का समीकरण, बी जीविका का समीकरण, या डी समांतरता का समीकरण। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है, उत्तर दीजिएगा इसका। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मधुमक्खी पालन, बी बागवानी, सी सेरीकल्चर, या डी फ्लोरिकल्चर।
तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी सेरिकल्चर। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? ए बढ़ेगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, या डी पहले घटेगा और फिर बढ़ जाएगा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। यही आपका आंसर एकदम सही है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न उत्तर जाएगा इसका। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ए सोडियम और पोटेशियम, बी आयरन और कैल्शियम, सी सोडियम और कैल्शियम, या डी कैल्शियम और फास्फोरस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी कैल्शियम और फास्फोरस। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न आने वाला है, उससे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा जो भी नए जुड़े चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा ताकि उन भाई बंधु तक पहुँचे जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है और वो बस ए लाइव वीडियोज़ यूट्यूब के वीडियोज़ के थ्रू अपने पढ़ाई कर रहे हैं और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर रहे हैं। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। रेशम कीड़े किस पर बड़े होते हैं? आपके ऑप्शन है ए रीठा पत्तियां, बी फिकस पत्तियां, सी पीच पत्तियां, या डी सहतूत पत्तियां। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी मलबेरी लीव्स। जी हां आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। लॉन्ग एक क्या है? तने की कलिका, मूल के गांठ, फूल कलिका, या डी बीज। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी फ्लावर बर्ड्स फूल कलिका। जी हाँ लवंग जो है वो है फूल कलिका। 16वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए दूरस्थ वस्तुएं, बी निकटवर्ती वस्तुएं, सी सूक्ष्म वस्तुएं, या डी सूक्ष्म और पास की वस्तुएं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सूक्ष्म और पास की वस्तुएं। जी हाँ एकदम सही उत्तर आप। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। लहसुन के विशिष्ट गंध किसका कारण होती है? ए क्लोरो यौगिक, बी सल्फर यौगिक, सी फ्लोरोन यौगिक, या डी एसिटिक अम्ल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी सल्फर कंपाउंड सल्फर यौगिक। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 18वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। पकल गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ए जे एल बियर्ड, बी जी बोरोसा, सी कार्ल बेंज, या डी जेम्स पकल। जिन्होंने उत्तर दिया डी जेम्स पकल। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रीनो टेलीस्कोप कौन सा है? ए गैलीलियो, बी आइस ट्यूब, बी सी डिस्कवरी, या डी चैलेंजर। विच इज द लार्जेस्ट न्यूट्रीनो टेलीस्कोप ऑफ द वर्ल्ड? जिन्होंने उत्तर दिया आइस क्यूब। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके कोई इसके विलयन से विलय को अलग कर सकता है? ए अवसादन, बी वाष्पीकरण, सी निस्पंदन, या डी संक्षेपण। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी इवेपोरेशन वाष्पीकरण। जी हाँ एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। एथिलीन एक अणु है, कौन सा अणु है? ए पोलर, बी आयनिक, सी सहसंयोजक, या डी नॉन पोलर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी नॉन पोलर। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न ए रहा उत्तर जगह का। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर निम्नलिखित में से क्या फॉजिन में परिवर्तित हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए क्लोरोफॉर्म, बी एसीटोन, सी बेंजीन, या डी प्रोपलीन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए क्लोरोफॉर्म। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न उत्तर जगह का। बेंजीन की खोज किसने की थी? ए हेल एंगो, बी माइकल फराडे, सी ब्रूस एम्स, या डी निकोलस एपर्ट। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी माइकल फराडे। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 24वां प्रश्न ए रहा उत्तर जगह इसका। मनुष्यों में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु अंडाकार को निषेचित करता है? आपके ऑप्शन है ए गर्भाशय ग्रीवा, बी फेलोपियन ट्यूब, सी गर्भाशय का निचला हिस्सा, या डी गर्भाशय का ऊपरी भाग। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी फेलोपियन ट्यूब। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न। हीमोग्लोबिन क्या है? ए पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, बी अस्थि मज्जा में पाए जाने वाला पदार्थ, सी मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, या डी प्यूटिटरी ग्रंथि से बाहर आने वाला स्राव। तो जिन्होंने उत्तर दिया है मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। 26वां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर जाएगा। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? ए साइट्रिक एसिड, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी सोडियम बेंजोएट, या डी सोडियम क्लोराइड।
जिन्होंने उत्तर दिया है सी सोडियम बेंजोएट। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर माना जाता है? ए कपास, बी जूट, सी ऊन या डी रेशम। जिन्होंने उत्तर दिया है डी रेशम। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। प्रशीतन किसके द्वारा खाद्य संरक्षण में मदद करता है? ए रोगाणुओं को मारकर, बी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को कम करके, सी एंजाइम कार्रवाई को नष्ट करके या डी वर्ग की एक परत से भोजनशील करके। तो जिन्होंने उत्तर दिया रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को कम करके। एकदम सही उत्तर आपका। 29वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजन या डी साइटोकिनिन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी साइटोकिनिन। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न ए रहा उत्तर जगह का। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए H2O, बी D2O, सी H2CO3 या डी H2S। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी D2O। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न आपके सामने आने वाला है। उससे पहले आप सभी से फिर से आग्रह करूंगा, जो भी नए जुड़े चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मोनोजॉइट किसका एक अयस्क है? ए जिरकोनियम, बी थोरियम, सी टाइटेनियम या डी आयरन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी थोरियम। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला धातु क्या है? ए एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी सिलिकॉन या डी रजत। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी सिलिकॉन। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। और जो गलत किए जा रहे हैं प्लीज ठीक कर लीजिएगा अपना आंसर। 33वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी तरल जल के वाष्पीकरण या डी अवशोषण। तो जिन्होंने उत्तर दिया है रेस्पिरेशन, श्वसन। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या सफेद फॉस्फोरस है? ए P1, बी P6, सी P4 या डी P5। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी P4। जी हाँ P4 सफेद फास्फोरस कहलाता है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न इसका उत्तर देगा। पानी आयनिक लवण का एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसका उच्च क्वथनांक है, बी इसमें एक उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण है, सी इसमें उच्च विशिष्टताप है या डी इसका कोई रंग नहीं है। बताइए इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है इसका एक उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण है, डाइपोल मूवमेंट, हाई डाइपोल मूवमेंट है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न इसका उत्तर देगा। समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए विलवणीकरण, बी आसवन, सी आयन विनियम विनिमय या डी निस्तारण। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी सेलिनेशन। जी हाँ विलवणीकरण एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न इसका उत्तर देगा। निम्नलिखित विकल्प में से सील किस प्रजाति में आता है? ए मछली, बी पक्षी, सी रेंगने वाला जंतु या डी स्तनपायी जीव। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी मैमल्स, स्तनपायी जीव। आपका उत्तर एकदम सही है। 38वां प्रश्न इसका उत्तर देगा। एम्फीबिया क्या है? ए बहुत तेजी से चलती नौकाएं, बी केवल पानी में रहने वाले पशु, सी केवल भूमि पर रहने वाले पशु या डी पानी और भूमि दोनों पर रहने वाले पशु। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न इसका उत्तर देगा। निम्नलिखित में से कौन से गुण एक आदमी मानव को एप्स से अलग करते हैं? आपका ऑप्शन है ए सीखने की इच्छा, बी गंध की एक प्राथमिक भावना, सी विपरीत अंगूठे या डी चौड़ी ठोड़ी। तो जिन्होंने उत्तर दिया इविंस और डिजायर टू लर्न। जी हाँ सीखने की इच्छा एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न उत्तर देगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए रंग पदार्थों को पहचानने के लिए, बी पदार्थों की संरचना का निर्धारण करने के लिए, सी रंगीन पदार्थों का सूखा आसवन करने के लिए या डी मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी सेपरेट द सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा ताकि उन भाई बंधुओं का मदद हो जाए जो अपनी पढ़ाई यहाँ से करते हैं। तो कल मिलते हैं शाम को ठीक 4:30 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, समाज का और जी हाँ अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।